आप आई दिल्ली से बिहार, दूसरी बार आप आ रही हैं, पिछले बार से इस बार का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो हम जानना चाहेंगे उस बारे में। पिछली बार हम केवल 3-4 दिन के लिए आए थे और इस बार पूरा हफ्ता लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा है कि आराम आराम से सब जगह मैं मीटिंग्स भी पूरा स्ट्रेच करके 4-5 घंटे ले पाई। जैसे पहले दिन जब मैं आई तो हम लोग जब ऑफिस में डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को हमने बुलाया, तो हम लोग उन सबसे एक पर्सनल लेवल पे मैं कनेक्ट कर पाई, सबसे बात कर पाई। एंड दो लोग उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया रहा, उनको गाइड करा किस तरीके से वो अपना डिजिटली वो कर सकते हैं, उसमें एड कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल यू नो कैंपेन को विदाउट पुटिंग एनी मनी। एंड बाकी कैडर है वो सरप्राइज कि एक कैडर जो था उसके पास एक ग्रुप था जिसमें ऑलरेडी 5,000 मेंबर्स हैं उजियारपुर के, विच वाज ग्रेट। एंड रेस्ट ऑफ देम आल्सो जो लड़कियां थी वो बनाना चाहती थी लड़कियों का ग्रुप, मतलब कि उजियारपुर की लड़कियों की आवाज़, युवतियों की आवाज़, जो कि अभी तक फेस तरीके का कोई ग्रुप नहीं। सो आई थिंक बहुत अच्छा था, सबसे वन ऑन वन टाइम मिला, थोड़ा लंबा चला तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबको पर्सनली टाइम दे पाए। एंड आज टुडे विच इज़ द सेकेंड डे संगठन मीटिंग्स के लिए गए हम, एंड हम लोग रायपुर गए और एक चांचर हम लोग गए जिसमें अपने सुभांश की थी एक पंचायत और एक पंचायत थी हमारी बिट्टू जी की, हाँ वो जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी थी दोनों से। तो बहुत अच्छा रहा संगठन मीटिंग में, मुद्दे शेयर करे, उस पर बात करी, डिजिटल की बात रखी और एक्टिविटी कराई, उसमें बड़े मज़े आए, वीडियो भी शूट कर लिए हमने काफ़ी सारे, आई थिंक 5 से 6 हमने वीडियो भी शूट कर लिए। एंड बस अभी कल भी हमारी संगठन मीटिंग्स हैं जिसके लिए हम वेटिंग। पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? अच्छा, पर्सनली आई थिंक कि जो युवा है वो बहुत कुछ केपेबल है, और मैं टीना से भी ये डिस्कस कर रही थी कि जैसे जवाब दो में इन्होंने जो अचीव करा है दैट इज़ मोर स्मॉल फीट, बट फिर भी ये इस चीज़ की क्या कहते हैं एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लाइक यू नो कि हमने इतना कुछ कर लिया, तो एक जिस प्राइड या एंथुजियाज़म या फिर जो होता है ना थोड़ी क्या कहते हैं उसे एक हम तो अब कर लेंगे ये वाली जो चीज़ होती है वो थोड़ी मिसिंग थी। आई थिंक इन्हें विश्वास ही नहीं है कि हमने ये कर लिया है, कि हमसे हो गया है, हमारी मेहनत से MP आ गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, वैक्सीन बटना शुरू हो गया है, हमारी मेहनत से उसका रियलाइजेशन उन्हें नहीं है। तो आई थिंक वो होगा तो और भी बेहतर होगा, और बहुत आई थिंक जितने एंथुजियास्टिक अभी हैं 100 टाइम्स हो जाएंगे। आज आपने 5 घंटा उजियारपुर ब्लॉक के 2 पंचायत में वक्त दिया है, हाँ, आप हाँ। अलग अलग PL से भी मिली हाँ। और इसके अलावा कैडर के बीच में आप काफी देर आपने अपना वक्त दिया हाँ। तो इसमें आपके चेहरे से देख के लग रहा काफी थकान है तो इस चीज को कैसे देखती हैं दिल्ली में जब आप काम करती हैं हाँ। और उसके बाद जब ग्राउंड पे आती हैं तो इसमें क्या फर्क दिख जाता है? कि जब दिल्ली में काम करते हैं तब पूरे दिन, जैसे मुझे, मैं अभी बिल्कुल लैपटॉप पे नहीं हूँ, तो मैं सुबह से शाम तक रात तक लैपटॉप पे ही रह के कॉन्टेंट या वीडियो की स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो एक मेंटल वो है, आंखें दुखती है या फिर मेंटली आई गेट टायर्ड कि यार अब आइडियाज़ नहीं आ रहे। यहाँ पे एक फिज़िकल एस्पेक्ट भी है जो कि दिल्ली में बिल्कुल नहीं है। मेरे को आराम से अपने यू नो ऑफिस में या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम तो घर पे AC में बैठ के ही काम करना है, साइड पर ही ऑप्शन नहीं है। अगर लाइट नहीं आ रही है तो पंखा नहीं चलेगा, अगर बाहर करनी है, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है तो वो होगी। तो आज क्या क्या हुआ आपके साथ? नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आई थिंक ऑलवेज साइट का काम, साइट पे जो मेहनत है कैन नॉट बी कम्पेयर्ड विद जो कि आप एक कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं। दैट इज समथिंग जो पहले भी पता था, और हर बार जब जाती हूँ तो एक इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि ध्यान रहता है। एंड ये जो एक्नॉलेजमेंट है यू नो कि इससे मुझे भी हेल्प करवाती है कि यू नो कि ये वीडियो चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है क्यों नहीं हो पा रहा, पर समझना होता है साइट पे 4 चीज़ें और होती है कि वीडियो क्यों नहीं हो पा रहा या फिर यू नो XYZ चीज़ में थोड़ा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत सिचुएशन मैनेज कर ली। तो अदरवाइज माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, इट वॉज अ लिटल हॉट तो बहुत अच्छा होता अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती, बट आई थिंक जो चीज़ तसव्वुर करके आई थी, जो अज्यूम करके आई थी, क्या आपको वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है? मतलब जो आपके एक्सपेक्टेशन थे कि यहाँ पे हम आएंगे तो ये काम करेंगे हाँ। तो अब आज तीसरा दिन है आपका यहाँ पर। या एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, लाइक गुड, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। जो जो हमने लिखा था कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे
और संगठन मीटिंग करेंगे, दो करेंगे। इनफैक्ट मैं सोच के ऐसी शायद एक ही हो पाए, आज दो कर ली, कल दो कर रहे हैं। दैट इज एज यू सेड, दैट इज मोर देन लाइक दैट्स 8 पंचायत्स फॉर अस। तो बहुत अच्छा रहा एंड लोग भी काफ़ी थे, लाइक नॉर्मली 15-20 होते हैं, बट अराउंड 30-40 चेहरे थे आज एक जगह पर। तो आई थिंक दैट वाज मोर देन एक्सपेक्टेड। अब इस बार आप अकेले आई हैं, पिछले बार आप ग्रुप के साथ आई थी अपने, तो क्या फर्क देखती है दोनों बार में आपका, क्या ये है? आई थिंक मेरे पेरेंट्स काफी कंसर्न थे कि मैं अकेले जा रही हूँ, बिकॉज वो बिहार कभी नहीं आए पर्सनली, बट आई नो बिहार, तो मुझे उस तरीके का कोई डर नहीं था। और होटल में अकेले सोना इज अ लिटिल, कोई साथी होता तो अच्छा रहता, स्मृति होती तो पहले हम बातें कर लेते थे, थोड़ा यू नो मस्ती मजाक कर लेते थे, दिन में क्या हुआ वो थोड़ी बातें कर लेते थे, तो वो आई मिस दैट अ लिटिल बिट। मतलब अब कमरे में मोबाइल आपका साथी है? मेरा मोबाइल ही साथी है। मैंने आपको किताब दिया है? एक किताब भी दी है उमर ने, जो मुझे वापस देनी है, मुझे पता है। क्योंकि वो अब एक हिस्टोरिक चीज बन गई है, इट इज नॉट अवेलेबल एनीमोर, इट्स एंटीक नाउ। या या बट आई विल रीड इट, आई विल रीड इट, श्योर खत्म करके जाऊंगी। देखे जाना, देखे जाऊंगी भगवान। आज हम दो संगठन मीटिंग पे गए, एक तो नगर गामा और एक चक बहाउद्दीन। तो दोनों संगठन मीटिंग काफ़ी डिफरेंट थी। जो हमारी नगर गामा की संगठन मीटिंग थी, वहाँ पे महिलाएं ही थी और एक या दो पुरुष थे, और यहाँ पे मोस्टली पुरुष थे और एक दो महिलाएं थी। तो मेरे लिए पर्सनली एक अच्छा इंसाइट था, क्योंकि अभी तक की जितनी संगठन मीटिंग्स थी उसके अंदर मोस्टली महिलाएं थी। तो एक मैं मेल पर्सपेक्टिव भी जानना चाहती थी डिजिटल के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, और किस तरीके का वो लोग चीज़ें जो हैं उनको एंटरटेनिंग लगती हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, युवा शक्ति से क्या चाहते हैं। काफ़ी अलग अलग यू नो हैबिट्स है डिजिटली दोनों ग्रुप्स की। आज मैंने देखा कि एक तो जो पहले वाली थी हमारी नगर गामा की जो पंचायत थी, उसमें जो औरतें थी वो लाइक पढ़ी लिखी हैं पर अभी घर पे बैठ गई, और वो रोज़गार चाहती, पर दिक्कत ये है कि वो रोज़गार के लिए अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहती। तो ये एक सॉर्ट ऑफ यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ वो सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उस गांव में डिजिटल की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम के पास फ़ोन्स नहीं थे, और वो उनको फ़ोन की कोई, मैंने उनसे पूछा आप कोई वीडियो देखते हो फ्री टाइम में किसी से लेकर भी, तो वो ना वीडियो देखते हैं ना टीवी देखते हैं, वो आपस में बोले अंताक्षरी खेलते हैं, बातें करते हैं। तो वो एक आई थिंक बहुत ही एक पिछड़ा हुआ तो नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड, बट वो एक इन सबसे हटी हुई एक पंचायत एक गाँव था। अगर जो सेकेंड पंचायत के बारे में बात करें तो वहाँ पे मोस्टली मेन थे, तो वो सारे बहुत डिजिटली सैवी थे, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जानते थे, सब यूज़ करते हैं, एंड उनकी वीडियोस क्या देखते हैं वो, क्या उनको इंटरेस्टिंग लगता है उस पर उनसे अच्छी बातचीत। तो ओवरऑल कल के और आज की इसमें आप क्या ये देख रही हैं, दोनों में क्या फर्क देखते हैं? जैसे आपने दोनों पंचायत में फर्क बता दिया, तो मैं कल जो आप विजिट, क्योंकि आज हमारी लास्ट विजिट है साइट पर, हम साइट पर डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कल और आज की इसमें? आई थिंक कल एक अच्छा मिक्स था, आई थिंक दो ब्लॉक अलग अलग भी हैं, तो एक कल एक अच्छा मिक्स था कि कुछ लोग लिटरली फॉरवर्ड थे, कुछ लोग नहीं। यहाँ पे क्या था कि पूरी पंचायत में सबके पास फोन है, सब कर रहे हैं, या फिर एक पंचायत में किसी के पास भी फोन नहीं है, सब बैठे हुए हैं और सब मतलब एकदम ही पिछड़े हुए हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट था। आई एम नॉट श्योर कि वो इसलिए था क्योंकि सारे लोग नहीं आ पाए थे आज, मेरे लिए एक वो डिफरेंस था। बाकी तो आई थिंक जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के और भेदभाव के, वो तो ओवरऑल सेम है आई थिंक हर जगह रोड के, तो ये तो कुल मिला के आप अपने एक्सपेक्टेशन पे ये आप उसको फुलफिल कर पा रही हैं जिस मकसद के तहत आप आई हैं बिहार? हाँ 100%। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि लास्ट मीटिंग में जो हम लोग का संगठन मीटिंग में राखी जी की जगह जो इन्होंने सोनू जी ने लिया, उससे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को मेल पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा था। मेरे पास दोनों जेंडर्स का अच्छा पर्सपेक्टिव है,
जेंडर्स के विद इन भी एज जो ब्रैकेट है 18 to 29 में भी जो यंग लोगों का क्या मानना है, ओल्ड लोगों का क्या मानना है. तो आई एम हैप्पी कि मैं 4 संगठन मीटिंग अटेंड कर पाई और इनसाइट्स ले पाई, सवाल पूछ पाई, सबसे अच्छा है. तो ओवरऑल अब बिहार में आपका क्या तजुर्बा रहा इतने दिन में, जैसे आप 4 दिन रेगुलर पिछले बार के मुकाबले, मुझे लगता है इस बार ज्यादा आप बिहार को और अच्छे से ग्राउंड पे लोगों से मिलकर इंटरेक्ट करके, तो अब आपका नजरिया क्या है पहले के मुकाबले? अब पहले एंड आई थिंक कि शायद युवा शक्ति का भी इसमें योगदान है. जब मैं पहले आई थी दिसंबर में, तब लोगों का ये कहना था कि हम जो अपने विधायक हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और बैंक वगैरह इन सब में हम जाके बोल नहीं पाते, हमें देख के वो निकाल देते हैं वगैरह. इस वाली ये वाली शिकायत इस बार बिल्कुल भी नहीं आई. एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि हम किसी के पास जाते हैं अगर कुछ काम करवाने के लिए तो वो हमारी सुनते नहीं, इस तरीके की चीज़ किसी ने आगे रखी ही नहीं. तो आई डोंट नो, आई थिंक ये युवा शक्ति की जीत है कि वो अब उनमें डर नहीं है, वो बात कर पा रहे हैं. अभी पंचायत लीडर शेयर कर रहे हैं, हम विधायक जी से मिलकर आए तो बड़े आराम से शेयर कर रहे हैं जैसे किसी दोस्त से मिलकर आए हो. तो आई थिंक ये एक अच्छी मैंने एक चीज़ देखी जो बदलाव आया है हमारे पंचायत लीडर से. तो इसको लेकर अब आप आगे क्या सोचती हैं? आई थिंक इससे और ऊपर ही जाएंगे हम, एंड आई एम श्योर कि अगर इसी तरह युवा शक्ति रहा तो होपफुली इन नेक्स्ट 1 or 2 years वो हम लोग बोलेंगे कि सारी हम लोग ने सब हम संभाल रखे हैं, आप बताइए आपका कोई मुद्दा है तो वो भी हम उठा लेते हैं.